नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। अगर SC ST एक्ट के विवाद में आपकी ज़रा भी दिलचस्पी है तो ये नाम आपने बीते दिनों ज़रूर सुना होगा। ये कथा सुनाते हैं, आजकल सियासी बातें सुना रहे हैं। 11 सितंबर की दोपहर आगरा पुलिस ने देवकी नंदन ठाकुर को हिरासत में ले लिया। देवकी नंदन 11 सितंबर की दोपहर आगरा के कमला नगर इलाके के एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इन्हें होटल ले जाकर इनसे पूछताछ की गई। जब इनके समर्थक बवाल करने लगे तो इन्हें समर्थकों के साथ ही पुलिस लाइंस भेज दिया गया। वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हिरासत में लेना वो चीज़ है जो सामने से दिख रही है। देवकी नंदन को हिरासत में लिए जाने के पीछे असल वजह है सवर्ण महापंचायत। आगरा के एक कस्बे खंदौली में 11 सितंबर को सवर्ण महापंचायत प्रस्तावित थी और देवकी नंदन ने इसमें शामिल होने की बात कही थी। पुलिस के इजाज़त ना देने पर यह आयोजन निरस्त कर दिया गया। फिर जब देवकी नंदन आगरा पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में एक पेच और है। पुलिस का कहना है कि उसने देवकी नंदन को हिरासत में इसलिए लिया क्योंकि इनका आगरा में घुसना प्रतिबंधित था। ये ना सिर्फ आगरा में घुसे बल्कि एक सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उधर देवकी नंदन का कहना है, उनका तर्क है कि प्रतिबंध उनके खंदौली जाने पर था, आगरा में घुसने पर नहीं था। आगरा में तो वो अपने गुरु का हालचाल लेने आए थे। पुलिस लाइंस में जब देवकी नंदन के समर्थक बढ़ने लगे तो पुलिस ने शांति भंग की धारा 151 के तहत देवकी नंदन से निजी मुचलका भरवाया और शाम करीब 5 बजे रिहा कर दिया। रिहा करने के साथ ही उन्हें मथुरा के लिए रवाना किया गया। पुलिस हिरासत में रहने के दौरान देवकी नंदन ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। पुलिस ने बंद कमरे में भी साथियों से बात नहीं करने दी। ये तो हुई 11 सितंबर की बात, लेकिन देवकी नंदन ठाकुर चर्चा में है 5 सितंबर को दिए अपनी बयान की वजह से। इस तारीख को ग्वालियर के सवर्ण पिछड़ा वर्ग ने SC ST एक्ट के विरोध में स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया था। देवकी नंदन ने इस आयोजन में कहा था, केंद्र सरकार अगले 2 महीने में इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रूप में बदल दे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब मिलकर देश को जातिगत राजनीति करने वाले दलों से स्थायी समाधान देंगे। 2 महीने का वक्त है सरकार के पास, या तो एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बदले या हम वो करेंगे जो देश में कभी नहीं हुआ। इस वर्ग के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे दुश्मन वो नेता हैं जिन्होंने हमें बांटने का काम किया है। ये बयान था देवकी नंदन ठाकुर का। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की वो बात कर रहे हैं वो 20 मार्च 2018 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि SC ST एक्ट में अब से FIR के तुरंत बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच होगी फिर आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा। इस फैसले से नाराज दलितों ने 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया जिसमें काफी हिंसा हुई। दलितों की नाराजगी खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने 6 अगस्त को लोकसभा और 9 अगस्त को राज्यसभा में SC ST संशोधन विधेयक पास करा लिया। इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया और SC ST एक्ट पहले जैसा हो गया। सरकार के इस कदम से अब सवर्ण नाराज हो गए हैं और देवकी नंदन ठाकुर इस नाराज धड़े के स्वयंभू मसीहा बनकर सामने आए हैं। देवकी नंदन ठाकुर, SC ST एक्ट, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।